The question is, solve BA into B3 is equals to 57A. यानी कि हमने कोई टू डिजिट नंबर BA की मल्टीप्लाई की B3 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है वो 570 समथिंग, यानी कि 57A, ये हमारे पास उसका आंसर आ रहा है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें, 3 के साथ अगर हमने किसी डिजिट को मल्टीप्लाई किया और आपका यूनिट डिजिट फिर से वही आना चाहिए, तो ऐसे कौन से पॉसिबल नंबर हैं? यानी कि अगर आप 3 को 1 से करते हो तो आपके पास आंसर 3 आएगा, लेकिन मेरे पास क्या है, मैंने अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी बनती है या तो 0 की, और या फिर पॉसिबिलिटी बनती है आपके पास 5 की, क्योंकि 15 आएगा तो 5 5, ये भी सेम होंगे। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए कैन बी आपके पास 0 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है, राइट? अब ए का तो एस्टिमेट हो गया कि 0 या 5 में से कोई एक डिजिट होगा, अब बी कैसे एस्टिमेट लगाएंगे हम? तो बी के लिए देखो, यहाँ पर जो भी हमारे पास डिजिट है, बी इंटू बी किया हमने, तो वो जो आंसर आने वाला है वो हमारा 500 समथिंग है। यानी कि सपोज़ मैंने बी को 1 रखा, इफ़ वी हैव बी इज़ इक्वल टू 1, बी 1 रखा, और ए की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 0 या फिर 5, या इनमें से नहीं पुट करना, तो आप ये देखो कि बी 1 पुट करने पर आपका जो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती थी। ए की कोई मैक्सिमम वैल्यू पुट करो, जैसे कि मैंने 9 पुट किया, ठीक है? इफ बी इज इक्वल टू 1, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी ए इंटू बी थ्री, बी ए इंटू बी थ्री की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? बी की वैल्यू 1 पुट की है, ए की वैल्यू 9, ये बी, ये ए इंटू बी यहाँ पर था 3 × 3 है, तो बी की वैल्यू मैंने 1 पुट की है 13, 19 और 13 की मल्टीप्लाई करोगे 247, यानी कि आपकी तो एक तो वैल्यू हमारे पास ये हो सकती है। मैंने आगे बी को 2 पुट किया, अगर हम 2 पुट करते हैं सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, देखो मैं यहाँ पर आपको एक बार 3 पुट करके दिखाती हूँ, 3 पुट करने पर आप मिनिमम वैल्यू चेक करो, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस विल बी, अब मैंने मिनिमम चेक कर रही हूँ, बी की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू रखो, सॉरी 3 है, ए की वैल्यू रखो 0, बी की वैल्यू 3 है और ये 3, तो आपका 990 आएगा, लेकिन मेरा आंसर तो इनके बिटवीन है, तो मैंने बी को रखा 2 अब, सो 2 वैल्यू रखने पर मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर आएगा आपके पास बी ए इंटू बी थ्री विल बी इक्वल टू, अब देखो बी की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी है कि मेरे पास ये 2A इंटू 2 3, ये कुछ आंसर आने वाला है, ये मेरा आंसर 570A आएगा, 57A आएगा, राइट? बी की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी कि बी तो 2 आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो 1 और 3 के बिटवीन तो 2 ही बचा है, 1 पे 247 आ रहा है मैक्सिमम, 3 पे आपका मिनिमम भी 990 है, मैं अगर ए की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज़ करूँगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे और ग्रेटर नंबर आएगा, बट मुझे 500 समथिंग चाहिए, तो इट मीन्स बी की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू 2 है, अब ए की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 5 होगी, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो यहाँ पर ए को 0 और 5 पुट करके देख लो, जल्दी समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा नंबर आना है, और दूसरा मेथड ये है कि यहाँ हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व करें, जो कि आप नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन के सम्स में जो मेथड यूज़ कर सकते हैं, एक मेथड वो है, ठीक है? वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम कैसे कर सकते हैं, अगर आप इसका जो नॉर्मल वे आप ट्राई करोगे इस पर, तो 2A की मल्टीप्लाई हमें करनी है 23 के साथ, और राइट साइड पे है आपके पास 570 समथिंग, ठीक है? यहाँ हम करने वाले हैं इसे स्प्लिट, ये जो 2A है ये, यानी कि यहाँ पर कोई डिजिट होगा तो इट मीन्स ये 20 प्लस 1 इक्वल होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी मैंने, ये 570 और A होगा, ठीक है? यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 460, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो यहाँ पे, 23A, यहाँ 570 ये होगा और A ये होगा, यहाँ से आप A को सेपरेट करो, 23A माइनस A, 570 माइनस 460, तो 22A इज इक्वल टू 110, तो A इज इक्वल टू आ गया 5, डायरेक्टली हमारे पास A की वैल्यू 5 आ गई, A 5 है, B 2 है, तो आपके यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो आ चुके हैं, राइट? A 5 एंड B 2। अब दूसरा तरीका क्या है, जैसे हमने यहाँ पर B फिक्स कर चुके थे, B की वैल्यू 2 आएगी, तो आप इसमें इसी सब में A की वैल्यू को एक बार 0 पुट करके देख लो, क्योंकि हमने दो वैल्यूज़ यहाँ पे बता दी थी पहले कि पॉसिबल वैल्यू A की या तो 0 हो सकती है फिर 5 हो सकती है। इफ़ वी टेक A इज इक्वल्स टू 0, देन 2 इंटू 0, 2 इंटू 3,
ये तो 460 आएगा जो कि हमारा आंसर नहीं है। तो दूसरी वैल्यू क्या बची, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 5, तो 2 × 2 = 5 × 2 = 3, ये हमारा 575 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा, ये डिजिट हमारे पास सेम आएंगे, राइट। तो इसमें भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। थैंक यू।